हमारे जासमिन भाई डीडीसी के वाइस चेयरमैन है, सीसीएस अप्लाई होता है उनपे, सीसीएस के रूल्स सेक्शन 5 के हिसाब से नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए कोई भी सरकारी मुलाजिम, चाहे वो ऑनररी क्यों ना हो। ये रूल वायलेट करके आपके प्रवक्ता के रूप में बैठते हैं, ये सेल्फ एक भ्रष्टाचार है कि आप सरकारी खजाने से सारे ऐशो आराम, शायद ये सैलरी लेते नहीं लेते, आपके प्रवक्ता वो ONGC एयर इंडिया वगैरह। संबित पात्रा ने बड़ा जोर लगाकर बोला, 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट इंक्रीज्ड बाय नियरली 7% इन द 4 इयर्स पीरियड अप टू 2019-20। 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया। 2,268.93 करोड़, लगभग 3,000 करोड़ का कर्ज। 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। हाँ, दिल्ली सरकार पर। बिल्कुल जी। भारत सरकार पर कितना कर्ज है इसमें? मैं, आपने अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली है। मैं आपको बता दूं कि संबित पात्रा का बोलने का संदर्भ क्या था। मैं बता रहा हूं, सरकार पर कितना कर्ज है इस वक्त? भारत सरकार जो है वो सारे स्टेट्स को भी पैसा दे, दिल्ली भारत सरकार पैसा देती है। गुजरात सरकार पर कितना कर्ज है? गुजरात सरकार पर आज से कोई कर्ज है? कांग्रेस सरकार पर कितना कर्ज है? हरियाणा सरकार पर कोई आज से कर्ज है? उत्तर प्रदेश सरकार पर कितना कर्ज? ये तर्क क्या है? 1,00,000 करोड़ से ज्यादा सब पर? मेरी बात आप पूरी गलत कह रहा हूँ तो बताइए प्लीज। आप 3,000 करोड़ का कर्ज, वो बड़ी फिगर हो जाती है कि घपला हुआ, घोटाला हुआ, तो सब जगह घोटाले हो रहे हैं। 2014 में कितना कर्ज था भारत सरकार पर? 2022 में कितना हो गया? संदीप चौधरी जी प्लीज ऐसे मत कीजिए, जनता भी देख रही है ना आपका शो। बिल्कुल देख रही है ना सर, आप ऐसे करेंगे तो डिबेट कैसे? देखिए ऐसे नहीं, आपने पूछा, आप ऐसे गुगली डालेंगे, मुझे भी दूसरा डालना आता है।